अरे क्या हुआ मैडम, रो क्यों रही हो? क्या करूं रो, उन्होंने तो क्या करूं, मेरा पति ने मार के मुझे घर से निकाल दिया। अरे मैडम ये पल्लू ठीक करो, पहले पल्लू ठीक करो। ये मैं क्या पल्लू ठीक करूं, मेरे कहां हो सा, इतना मारा, बाल खींच खींच के मेरे बाल इतना निकाल दिए। तो भीगी क्यों बैठी हो, क्या हो गया? पानी डाल दिया, पानी डाल के मारा उसने, बहुत मारा मेरे को। अरे रो मत, रो मत। मैं क्या करूं, रो नहीं तो मेरे रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आपका यही घर है ना, ये जो उधर घर है, ये वही मेरा घर है। मुझे घर से निकाल दिया, इधर बोला कि घर में आओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगी। पति का घर पे है या गया? पता नहीं कहाँ गया, मैं तो डर से ही रो रही हूँ, तब से तुम्हें मुझे नहीं पोप। अरे रो मत, अरे तो कंप्लेंट करो ना उसकी, रो क्यों रही हो, रोने से क्या होगा? कंप्लेंट मैंने नहीं आई, वो मुझे पता ही नहीं किधर थाना पुलिस का ये चौकी होता है, मैं हमको पता ही नहीं है। पता रहता तो चले जाते, कोई मदद भी नहीं कर रहा है, जो मदद करा उसको भी गाली दे रहा, जो मेरा बीवी के मदद करेगा उसे भी मारूंगा, कोई डर के मारी नहीं है, इसलिए तो मैं इस कोने में लाके बैठी हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। सुनो मेरी बात, मैं मदद करूँ आपकी, चलो मेरे साथ थाने में कंप्लेंट करवाता हूँ। आप मदद मत करो, नहीं तो आपको भी मारेगा, वो बोलेगा जी तेरा कौन लगता है जो तेरा मदद किया। फिर और यार ये दारू वाले इंसान ना, वो दारू पता नहीं कौन है भैया, ये दारू वाले इंसान अपनी बीवियों को जो मारते हैं सबसे बुरे लगते हैं ये इंसान दुनिया में। आज काली है तू, मोटी है तू, अच्छी नहीं है, ऐसे बोल बोल के मारता है। ये तो शादी क्यों करी थी, पूछा नहीं उससे शादी क्यों करी अगर मैं काली मोटी हूँ तो? बोलता है कि पहले अच्छी दिखती थी, तो मैं बताओ भैया मेरे बच्चे होने वाले हैं तो मैं मोटी नहीं देखेंगे। यार छोड़ दो मैडम, अपने माँ बाप से बात करो, छोड़ दो। माँ बाप क्या करें, माँ बाप बोले कि मेरे घर से डोली निकलता वहाँ ससुराल से औरती। अब आप ही बताओ अगर कहीं आपको हो तो मेरी दूसरी शादी करा दो, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी शादी कर लोगे आप? हाँ कर लूंगी, अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दारू पीने वाला अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं शादी कर लूंगी उसके साथ। कहाँ की हो आप, कहाँ की हो? मैं झारखंड के हूँ। झारखंड की हो? हाँ पक्का झारखंड की हो, कहीं और की हो? झारखंड के हैं हम। कुछ झारखंड में पहले बोल के दिखाना, जब मानू हमें बोल के दिखाओ। तू हमार के मदद कर दे, हमार पति बड़ी हमरा मारे है। हाँ हमारी यही लैंग्वेज है झारखंड के। तो शादी कर लोगे ना तुम? हाँ कर ले भैया शादी। फिर पति तो कुछ नहीं कहेगा आपका, पति भी तो फिर आप कह रही जब मदद करने पे इतना वो। दूर करा देना भैया, दूर करा देना ताकि उसको पता ही नहीं चले। तो उसके लिए देखो तलाक देना पड़ेगा आपको। हाँ हम दे देंगे तलाक उसको। सुनो खड़ी हो, खड़ी हो, सुनो मेरी बात। पति के साथ क्यों रहना, चुप हो जाओ, सुनो मेरी बात, खड़ी हो, देखो मेरी बात सुनो। देखो या तो उनसे ही रिश्ता ठीक कर लो आप, ठीक है, समझाओ थोड़ा घर वालों को, बताओ ये चाहिए तो अच्छा रहेगा। नहीं वो नहीं ठीक होने वाला, जब से लाया तब से मार रहा है। बट गलत है ना, देखो ये चीज तो आप पक्का शादी कर लो किसी से? फोन है आपके पास? फोन कहाँ है आपका? फोन है पर वही रख लिया है उसने, फोन लूट लिया। सुनो मेरी बात, एक काम करो, देखो मैं क्या है, लोगों की वीडियो बना दो, ये फोन पकड़ाओ ना, मैं इसमें वीडियो बन रही है आपकी। अच्छा ठीक है भैया। तो मैं क्या है, लोगों के कोई शादी के लिए होता है ना तो शादी करवा देता हूँ उनकी, ठीक है भैया। तो मेरा नंबर ले लो, आप कहीं लड़का अच्छा मिले तो मुझे फोन कर देना, मैं नहीं, देखो मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ आपका, मेरी बात सुनो, मैं आपको चैनल बता दूंगा अपना, इसमें आप कमेंट में नंबर आएंगे तो उन्हें फोन कर लेना। देखो मैं आपका नंबर डालूंगा तो आपको लोग परेशान करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। तो दोस्तों ये है, नाम क्या आपका जी? सविता। देखो ये है सविता जी, और इन्हें क्या है, इनका पति थोड़ा परेशान करता है, दारू वारू पीता है, तो ये सो ये कह रही है मेरी कहीं और शादी करवा। दोस्तों आप लोगों में से कोई हो जो शादी करना चाहता हो, कोई बंदा, ये सविता जी हैं, तो इनसे शादी कर सकता है। और देखो औरत क्या यार, शकल से अच्छी ना हो बस उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, मेरे को तो नेचर की अच्छी लग रही है। जब इन्होंने कितने साल बिता दिए आपने शादी के? मेरे शादी के हो गए 2 साल। 2 साल हुए हैं, तो 2 साल जब उसके साथ रही है, नहीं रहा जा रहा इनसे, और माँ बाप से इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि पुरानी मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई लड़की गई तो हमारी नहीं है, वो उसी की है चाहे कैसे भी रखे वो, तो मैं तो ये मेंटेलिटी नहीं मानता। और बाकी मैं तो चाहता हूँ कि कंप्लेंट कर दें बट ये मना कर रही हैं। तो दोस्तों आप में से कोई हो जो इनसे शादी करना चाहता हो या आपका कोई फ्रेंड हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दो, ये सविता जी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगी। सविता जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। भैया हमारी यह विनती है कि हमारा शादी अच्छा लड़का से करा दीजिए, हम झारखंड के रहने वाले हैं, मेरा बहुत मतलब बहुत मेरे पर अत्याचार हुआ है, कोई अच्छा हम लड़का मिले तो मेरी शादी करा दीजिएगा, मैं उसे तलाक देके मैं उसके साथ कोर्ट में शादी कर लूँ। खुश रहोगी उसके साथ? हाँ खुश रहेंगे। देखो ऐसे तो नहीं कहीं पता लगा आप लूट लाटे खा जाए, ऐसी तो नहीं? नहीं 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 भैया, ये वीडियो है, देखिए ध्यान रखना, ये वीडियो है, ऐसा लग रहा है मैं लूट के भागने वाली में से हूँ। नहीं भैया चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स, चलो ठीक है कमेंट बॉक्स में नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है? और बाकी ध्यान रखो, देखो अभी अभी वो घर पे है या नहीं है? घर पे ही है। ये है ना आपको घर? हाँ वही अंदर है, अंदर सोया हुआ है, मार उड़ के भगा के। बताओ तो मैं जाके हेल्प करूँ? बताओ। नहीं नहीं आप जाओगे तो आपको मारेगा, फिर मुझे पे ना ये लगा के इल्जाम, तुम्हारा क्या लगता है
किससे हमको मरवा रही है। हाँ वही इल्जाम ना लगा दे, इल्जाम लगा दे। एक काम करो आप ही बैठो अपना चले जाना, संभाल लेना ठीक है। हमको कंप्लेन वम्प्लेन कुछ नहीं करना चाहते, हमको अच्छे लड़के देके शादी करा दीजिए बस, हम उसी के साथ अपना जिंदगी ठीक है जी। ठीक है तो आप बैठो आराम से, मैं आपको बता देता हूँ चैनल वगैरह वो देख लेना ठीक है। मैं आपका नंबर इतनी डाल रहा हूँ ठीक है। दोस्तों करो इनकी मदद करो सविता जी की, आप लोगों के हाथ में इनकी मदद करना।